हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं एस कुमार आ चुका हूँ फिर से न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो भाई आज के जो है वो ब्लॉग नहीं है, आज है वीडियो, बहुत ही बड़ा अपडेट का वीडियो। ठीक है, तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एक लाइक की कर देना भाई इस वीडियो के लिए। तो टॉपिक ये है कि एक नया ऐप्स आ चुका है बाइक टैक्सी में। एक्चुअली ये कोलकाता के लिए ही है, अदर कंट्री अदर स्टेट के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है यात्री साथी, जो कि भाई फोर व्हीलर में कोलकाता में चलता है, एंड वो अब जो है बाइक टैक्सी में भी आ रही है। तो अभी जो है कंपनी ने क्या किया है ना, ऑनबोर्डिंग स्टार्ट किया है, सिर्फ ऑनबोर्डिंग, अभी राइड नहीं मिलेगी। राइड आपको मिलेगी नेक्स्ट मंथ से, सितंबर से मिल सकती है या तो सितंबर अक्टूबर से मिल सकती है। ठीक है, तो अभी ऑनबोर्डिंग चल रहा है, तो उसी का आज मैं प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग ऑनबोर्डिंग करके रख लो। ऑनबोर्डिंग का मतलब है कि आप लोग बस रजिस्ट्रेशन करके रख लो, जब राइड स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा। समझ गए बात को। तो अभी हम चलते हैं प्रोसेस के ऊपर कि कैसे हमें ऑनबोर्डिंग वगैरह करनी है, क्या करना है। ठीक है, एंड सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट की मैं बात कर लूँ, चलो मैं पहले आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पर जो है जितना भी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके सारा प्रोसेस आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ये देखो भाई, यात्री साथी ड्राइवर ऐप आप लोगों को सिंपली डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ठीक है, आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, और नहीं तो मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप डायरेक्ट उस पर जा करके क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ ना, ये देखो मेरा डॉक्यूमेंट है। कुछ इसी तरह से आप लोग को भी अपने फ़ोन में स्कैन करके रखना है, जैसा मैंने किया वैसा ही, ताकि आपको रिजेक्शन ना हो। ठीक है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करो, आपको सेम ऐसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप लोग को स्कैन करना नहीं आता है, एक एप्लीकेशन है एडोब स्कैन करके, आप उसको इंस्टॉल करके रखो, वहाँ से आप स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट मोड में, आपका ये इजीली कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, बस फोटो आपसे उसको क्लिक करना है एंड इजी हो जाएगा। तो चलो, हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ सिंपली। इसमें ओपन करने के लिए पहले आपको नेविगेशन वगैरह सब कुछ दे देना है, जो परमिशन वगैरह आपसे मांगे यहाँ पे आपको सिंपली दे देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मुझसे ये अनेबल करने को बोल रहा है लोकेशन। ठीक है, तो आपको भी ऐसी लोकेशन को अनेबल करना है वाइल यूजिंग द ऐप, परमिशन मैंने दे दिया। यहाँ पे अपना जो भी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेना, और अपना लैंग्वेज जो है भाई उसको सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना। देखो मेरा सिटी कोलकाता आ चुका है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है अपना कौन सा नंबर को रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको जिस भी नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है वो नंबर यहाँ पे सिंपली दे करके सबमिट करोगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बाइक कार एंड एम्बुलेंस, ये तीनों आ चुका है। पहले सिर्फ कार और एम्बुलेंस था, अभी यहाँ पे बाइक भी आ चुका है। इसको मैं क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको चार ऑप्शन मांगे जा रहे हैं, पहले आपका रजिस्ट्रेशन, फिर DL, फिर पास फोटो, फिर उसका परमिशन वगैरह जो भी है वो दे देना। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट, इसमें आपने अपना गाड़ी का नंबर दे देना है, नीचे में फिर से डालना है, मतलब दो टाइम डालना है आपको। ठीक है, टू टाइम्स इसमें डालने के बाद अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी देखो मेंशन किया गया है कि फ़ोटो की इस तरह होना चाहिए, ना ब्लर होना चाहिए, ना टेढ़े ना मेढ़े, या बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपलोड में जाता हूँ, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है मैं सेलेक्ट करके सिंपली अपना फाइल से ही अपलोड करना। आप चाहो तो कैमरे से भी ऑन करके कर सकते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एडोब स्कैन से कर लेना, उसका जो भी आपका फाइल में रहेगा सेव उसको भाई आप अपलोड कर देना। इससे क्या होगा ना, रिजेक्शन जो है बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नहीं तो ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ से बचने के लिए आपको सिंपली वैसे ही करना है, या नहीं तो आपको RC जो है आप इससे भी निकाल सकते हैं, डिजी लॉकर से। ठीक है, डिजी लॉकर से भी आप RC निकाल करके आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे DL की बात आ गई, तो DL पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होगा वो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना होगा और अपलोड करना पड़ेगा। तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो भी था मैंने इंटर करके यहाँ पर सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पर जाके अपलोड कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं आप लोगों को वही दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे किस दिन इशू हुआ था, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस चालू हुआ था, वो डेट देने का बार बार एरर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन जो था हमने कैसे निकाला मैं बता देता हूँ आपको। एक नंबर दे दे रहा हूँ यहाँ पे, उस नंबर पे सिंपली कॉल करना। ठीक है, कॉल करने के बाद आपको बोलना है कि हमें एरर आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने में, तो वहाँ से वो क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है
ठीक है, अभी नया नया सर्विस इन लोगों ने स्टार्ट किया बाइक का, तो इसी कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कॉल सपोर्ट में आपको कॉल करना है और बता देना है कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपका वेरीफाई कर देंगे। जब वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट बसता है सिर्फ फ़ोटो, तो वो आप लोगों को सिंपली अपलोड कर देना है और उसका जो भी परमिशन वगैरह मांगता है वो कर देना है। तो देखो भाई, जब आप ये कर लोगे ना, ड्राइविंग लाइसेंस आपका अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद सिंपली आपको वहाँ पे क्या करना है, लॉग आउट करके लॉग इन करना है, लेकिन आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर भाई मजे ही मजे है ना। जब आपका लॉग आउट करके लॉग इन करोगे तो वहाँ पे सिंपली ऊपर में जाओगे ना, तो ऊपर में आपका भाई जो आइकन होगा फोटो प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करके अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देना। अभी मैं यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखा रहा हूँ रेफर वगैरह, ठीक है। तो प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जा करके अपना जो भी फ़ोटो है अपना लेटेस्ट देना चाहते हो या लाइव फ़ोटो क्लिक करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको मैं प्रोफाइल में जा करके यहाँ पर डिटेल भी दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से कोई नंबर ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और व्हीकल डिटेल में जाओगे तो वहाँ पे आप अपना गाड़ी नंबर दिख जाएगा आपको, नीचे में ऐड व्हीकल, आपको दूसरा कोई गाड़ी ऐड करना है वो भी कर सकते हो, या अपने गाड़ी को ही मैनेज करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सारा ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको गो करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखो, जब भी मैं गो कर रहा हूँ, गो करने के बाद देखो यहाँ पे हमें एम्बुलेंस का फ़ोटो दिखा दिया जा रहा है। तो भाई यही है कि अभी जो है अभी सर्विस चालू नहीं हुआ है, बस अभी आपका ऑनबोर्डिंग हो रहा है। यही प्रोसेस है भाई, सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो आप इसको यूज़ करके भाई अभी जब तक नहीं है तब तक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टार्ट हो जाएगी सर्विस तब मैं आप लोग को अपडेट करूँगा, फिर आप लोग इसमें भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही रहा प्रोसेस, और इसमें कोई हार्ड नहीं है। आपको डीएल को लेके जो भी प्रॉब्लम था वो भी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को तो उसके लिए घबराना नहीं है, सिंपली उस नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके बोलना है तो वो सॉर्ट आउट कर देंगे, और ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं। बट डॉक्यूमेंट का एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को भी अपलोड करना है। आप अगर उल्टा पुल्टा डालते हो तो फिर आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, और पता है इन सब एप्लीकेशन में क्या होता है, एक बार रिजेक्ट होने के बाद जल्दी से ना फिर अपलोड करने में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए एक बार में ही आप काम करो, एडोब स्कैन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उससे ही डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करो, वो अच्छा सही बना के आपको दे देगा, एकदम आईडी कार्ड परफेक्ट, नो बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी, और आप इजीली उसको अपलोड करोगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो यही है प्रोसेस गाइस। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, और जब भी चालू होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। हमें जहाँ तक पता है कि नेक्स्ट मंथ सितंबर का 12-15 तारीख के आसपास से पता चला है, उस तारीख से लेकर के सितंबर इन तक, या नहीं तो अक्टूबर स्टार्टिंग तक, इतना दिन तक का डेट लिया गया है। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है, बाकी हम तो हैं ही आपको इन्फॉर्म करने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए सेफ लाइफ।